हेलो गाइस, वेलकम टू अवर माय चैनल। आज हम देखिए आप लोगों के लिए लेकर आए कीमे के पराठे। हमने आटे को गूंद लिया है, उसमें डाल दिया है नमक, जीरा, थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने आटे को गूंद लिया है। हमने कीमा लिया है, इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट मिला दिया था, धनिया, मिर्ची, प्याज काटा है, गरम मसाला, भुंजा हुआ जीरा, काली मिर्च पाउडर, पिसी हुई मिर्ची, धनिया पाउडर, सौंफ, खड़ी हुई सौंफ ली। इसे हम सब चीज़ों को अब मिला ले रहे हैं। देखिए हमने सारी चीज़ें मिला ली हैं, अब हम पराठा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हमने एक पेड़ा बनाया हुआ है, उसमें अब हम अपना कीमा रखेंगे। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अब इसमें हमने कीमा भर लिया है, अब चारों तरफ से पकड़कर आटे का मुंह बंद कर दे रहे हैं। हम कीमे के पराठे एक ही रोटी से बनाएंगे, दो रोटियों का नहीं बनाएंगे। देखिए कितने आसानी से अच्छे से मिल जाएगा कीमा पराठा हमारा, सॉरी। इसे हम दाब के चारों तरफ से घुमा घुमा लेके दाब ले रहे हैं। अब हल्के हाथों से ही हम पहले बेलेंगे, नहीं तो ज़्यादा अगर प्रेशर डालेंगे तो हमारा पराठा फट जाएगा, कीमा बाहर निकल आएगा। देखिए कितने आसानी से धीरे धीरे हाथों से हमने पराठे को पहले बेला है, अब हम शुरू कर दिया हमने बेलना। चारों तरफ से घुमा घुमा कर पराठे को बेल रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी कीमा हमारा बाहर नहीं निकला। एक रोटी से ही हमारा कीमे का पराठा बनकर तैयार हो गया। अब हम दूसरा पेड़ा बना रहे हैं। हमने तवे पर डालकर अब पराठे को अपने सेक लेंगे। तवे पे डाल दिया, इसमें रिफाइंड ऑयल लगाया है, आप तेल से भी बना सकते हैं, कोई भी तेल में। धीमे धीमे आंच में पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं पकाना है। पराठा नहीं, अंदर से कीमा कच्चा रह जाएगा, क्योंकि कच्चे कीमे के पराठे बन रहे हैं। देखिए कितना बेहतरीन हमारा पराठा सिककर तैयार हो गया है। अब हम आपको खाकर दिखा रहे हैं। देखिए कीमा कितना अच्छा भरा हुआ है और साथ में जीरे की चटनी है, जीरे लहसुन की। इसे खाइए, खाने में मज़ा आ जाएगा। ये खाने में बहुत ही बेहतरीन बने होते हैं, साथ में चाय। आप चाहे तो सुबह के नाश्ते में या शाम को भी बना सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में भी मेरी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।